नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को याद रख पाएंगे। देखिए दोस्तों, 2 से 3 सवाल बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से हर एक साल पीवीपी एग्जामिनेशन में आते हैं और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किस केस में कौन डेटर है, कौन क्रेडिटर है। तो आपके बुक में ये देखेंगे, ये चार्ट दिया हुआ है, इस टेबल से मैं बता रहा हूँ। इस टेबल से दोस्तों 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन हर एक साल लगातार आते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है जिसको आप केवल यदि सुन लें तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो 2 से 3 मार्क्स तो आपका फिक्स है। और साथ ही साथ वो ट्रिक कहाँ नहीं काम करता ये भी मैं बताऊँगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आधा अधूरी जानकारी लेकर मत चले जाइएगा, कंप्लीट जानकारी लीजिए। ऐसा नहीं कि जो आधा अधूरी जानकारी है वो आपके लिए गलत पड़ जाए, फिर मुझे आके आप बोलिएगा कि आपने तो गलत ट्रिक बताया। बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम तक वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा कि ये कहां नहीं लागू होता है ये ट्रिक। ठीक है, एक अपवाद है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो हर एक बात को ध्यान से सुनिए, यदि चीजें पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज समझाता हूं। सबसे पहला जो बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप आता है, जो सबसे बेसिक वाला बात है, वो है हमारा, दैट इज इन द केस ऑफ व्हेन डिपॉजिट इन द बैंक। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो अपना पैसा बैंक में जमा कर रहा है, राइट। तो जब कस्टमर अपना पैसा बैंक में जमा कर रहा है तो उस केस में वो क्रेडिटर कहलाएगा और बैंक डेटर कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जमा कर रहा है तो वो क्रेडिट पे है और आप बैंक जमा ले रही है तो आप डेबिट में है। ठीक है, दूसरी बात, और जब बैंक लोन देती है तो उस केस में बैंक क्रेडिटर होती है और कस्टमर डेटर होता है। ये तो ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इन केस को छोड़कर बाकी जितने भी केस हैं उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या जो भी हेल्प कर रहा है, जो भी कुछ दे रहा है, उसके आगे हम लोग लगाएंगे अर, OR लगाएं या ER लगाएं। और जो भी सर्विस ले रहा है, यानी कि जो जिसे कुछ मिल रहा है, ठीक है, उसके आगे हम लगाएंगे EE। क्या बताया मैंने, जो दे रहा है, ठीक है, अब क्या दे रहा है वो हम लोग केस बाय केस डिस्कस करेंगे। जो दे रहा है उसके आगे अर लगाएंगे और जिसको मिल रहा है उसके आगे हम लोग EE लगाएंगे। चलिए सबसे पहला हम लोग केस लेते हैं लॉकर का। ठीक है, तो ये बताइए मुझे कि लॉकर जो है कौन देता है, हाँ, बैंक देती है, किसको देती है लॉकर? कस्टमर को देती है ताकि वो अपने सामान को सही से रख सके। तो मैंने क्या बोला कि जो वो सामान दे रहा है उसके आगे अर लगेगा, इसीलिए आप देखेंगे बैंक जो है वो लेसर कहलाएगा और कस्टमर जो है वो क्या कहलाएगा, लेसी कहलाएगा। क्योंकि बैंक ये सर्विस बैंक दे रही है ना, बैंक लॉकर दे रही है ना, राइट, बैंक लॉकर दे रही है, इसीलिए जो है हमारा लॉकर वाले केस में बैंक क्या कहलाएगी, लेसर, और कस्टमर क्या कहलाएगा, लेसी। हमेशा याद रहेगा ना ये चीज़, और याद रखना भी आसान है। यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। चलिए एक केस लीजिए मॉर्गेज का। मैं, आप बोलिएगा बीच का मैंने क्यों छोड़ दिया, मैं सब की डील करूँगा एक एक करके। पहले देखिए इजी टू हार्ड में जाते हैं, सीधा हार्ड में नहीं चले जाते हैं, तो पहले हम लोग इजी से स्टार्ट किए फिर थोड़ा डिफिकल्ट। अब थोड़ा देखिए मॉर्गेज वाले केस में आ जाइए। अब बताइए मॉर्गेज में होता क्या है कि मैं कस्टमर हूँ, आप बैंक हैं, आपने मुझे लोन दिया और मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने घर को गिरवी में दे रहा हूँ, तो मैं दे रहा हूँ ना, इसलिए मैं क्या कहलाऊँगा, मॉर्गेजर कहलाऊँगा, यानी कस्टमर जो है वो अर लगा, क्योंकि वो दे रहा है ना, घर को गिरवी में दे रहा है, समझ रहे हैं बात को। इसलिए जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो वो चीज़ दे रहा है, जो कोई काम दे रहा है तो अर लगेगा उसके पीछे, और जिसको दिया जा रहा है उसके आगे ई लगेगा। तो हम किसको दे रहे हैं अपना घर गिरवी, बैंक को दे रहे हैं, तो बैंक कहलाएगा मॉर्गेजी, याद रहेगा ये चीज़। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइपोथिकेशन है। ठीक है, हाइपोथिकेशन पे आ जाइए, सबसे नीचे आ जाइए, दिख रहा है ना आपको सही से, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन आपको पता होगा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मेरे पास कोई व्हीकल है, मोटरसाइकिल है या कार है। ठीक है, तो कार को मैं गिरवी पे लगा रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगा, हाइपोथिकेटर, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस नहीं, मैं कर रहा हूँ, और किसको दे रहा हूँ, तो बैंक को दे रहा हूँ, तो जो रिसीव कर रहा है उसको, उसके आगे KT लगाएंगे, EE लगाएंगे। ये भी समझ में आ गया। चलिए अब मान लीजिए कि एक और केस लेते हैं, प्लेज वाला केस लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बात को, मैंने बोला ना कि एक अपवाद है, थोड़ा सुनिए ध्यान से। देखिए प्लेज के केस में क्या होता है, जैसे गोल्ड का इक्विपमेंट हो गया, गोल्ड, तो आप जा, आपके पास गोल्ड है, आप बैंक गए और बोले क्या कि इस गोल्ड को आप गिरवी पे लगा देते हैं, तो यही प्लेज का केस होता है ना, तो आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे प्लेजर, क्योंकि आप दे रहे हैं, और बैंक क्या कहलाएगा, प्लेजी कहलाएगा। देखिए वही लिखा है, ठीक है, कस्टमर जो है प्लेजर कहला रहा है और बैंक प्लेजी कर रहा है, लेकिन इसमें ना पॉनर और पॉनी नाम यूज होता है और वो इसका अपोजिट है। देखिए होना चाहिए क्या, कस्टमर दे रहा है तो प्लेजर होना चाहिए, तो है, लेकिन पॉनी कहलाएगा वो, और बैंक रिसीव कर रहा है तो प्लेजी है, लेकिन यहाँ पॉनर कहलाएगा। बस ये याद रखिए, ये अपवाद है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए।
तो प्लेजर प्लेजी तो रूल फॉलो हो रहा है हमारे हिसाब से, हमने जो लॉजिक बनाया उसके हिसाब से, लेकिन पॉनर पॉनी उसका रिवर्स है। बस ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि ये एक प्लेजर प्लेज वाला एक्सेप्शन है, बस इतना आप ध्यान रखिए, बाकी सब केस में लागू होगा। जैसे आप देखिए यहाँ सेफ कस्टडी है, ये वाला केस देखिए, मैं बाकी चीज़ को इरेज कर रहा हूँ। हमने लॉकर डिस्कस किया, हमने प्लेस डिस्कस किया, मॉर्गेज डिस्कस किया, हाइपोथिकेशन डिस्कस किया। अब जैसे मान लीजिए सेफ कस्टडी है, देखिए ये चीज़ पहले होता था, जब क्या होता था कि कस्टमर जो है कोई सामान है उसका, वो जो है बैंक को देता है कि तुम इस सामान को रखो, ठीक है, सेफ कस्टडी के रूप में, कोई तिजोरी जो भी था पहले ज़माने में होता था, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, बेलर बेली का कंसेप्ट था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन दे रहा है, कस्टमर दे रहा है, किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है, तो जो देता है उसके आगे अर लगेगा और जिसको देता है उसके आगे ई लगेगा, इसलिए हमने बेलर लगाया है कस्टमर में और बैंक में बेली लगाया है, याद रहेगा ना ये चीज़। तो हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ठीक है। अब एक केस को देखिए, आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक, कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक से आर्टिकल जो है बैंक में छूट जाता है, तो उस केस में बैंक ट्रस्ट करती है, कस्टमर बैंक पे ट्रस्ट करता है, राइट, तो वहाँ पे जो है ट्रस्ट वाला काम आता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ट्रस्टी का कंसेप्ट आएगा, तो यहाँ पे बैंक कैसे काम करेगा, ट्रस्टी की तरह काम करेगा और कस्टमर हमारा बेनिफिशियरी की तरह काम करेगा, ये भी याद रहेगा आपको। अच्छा अब देखिए चेक वाले केस में बात करते हैं या ड्राफ्ट वाले केस में बात करते हैं, तो देखिए जब से जैसे आपका कलेक्शन ऑफ चेक है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ चेक समझते हैं ना, राइट, तो कलेक्शन ऑफ चेक में क्या होता है कि यहाँ पे बैंक जो है ये एजेंट की तरह काम करती है। एजेंट मतलब क्या होता है, समवन ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, राइट, कोई ऐसा है जो कि बैंक के बिहाफ में काम कर रहा है, राइट, और इस केस में जो है बैंक एजेंट की तरह काम करेगी और कस्टमर जो है प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। फिर देखिए परचेज ऑफ ड्राफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक डेटर होगा और कस्टमर क्रेडिटर होगा। पेई ऑफ अ ड्राफ्ट, तो पेई है ड्राफ्ट का, तो बैंक ट्रस्टी होगी और कस्टमर कौन होगा, बेनिफिशियरी होगा। हाँ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जैसे कस्टमर ने बोला कि मेरा हर एक महीना एक तारीख को इतना पैसा डेबिट हो जाना चाहिए, तो बैंक जो है एजेंट की तरह काम कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, राइट, एजेंट, और यहाँ कस्टमर क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में भी एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है, ठीक है। अच्छा फिर देखिए क्या कह रहा है कि मनी हमने डिपॉजिट किया लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो यहाँ पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं ना बैंक पे, तो वहाँ पे ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप हो जाता है। तो ये चीज़ आपको आप उम्मीद हमेशा याद रहेगा, एक्सेप्शन बस एक याद रखिएगा प्लेज वाले केस में कस्टमर चूंकि अपना सोना गिरवी लगाता है तो कस्टमर के आगे प्लेजर लगता है, लेकिन उल्टा हो जाता है पौनी में, यहाँ पे पौनी हो जाता है वो, और बैंक क्या हो जाता है, बैंक के आगे प्लेजी लगेगा, PLED, और ये बैंक क्या कहलाएगा, पॉनर कहलाएगा, ठीक है। एक और केस देख लीजिए इंडेमनिफिकेशन में, तो इंडेमनिफायर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कस्टमर को FD इशू किया, ठीक है, और कस्टमर ने FD को खो दिया, फिर कस्टमर आपको वापस आता है बोलता है कि मुझे डुप्लीकेट FD दो, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, उसे एक इंडेमनिफिकेशन लेते हैं ना, ये पूछा जाता है कि इंडेमनिटी लेते हैं तो इंडेमनिटी वाले केस में कौन किसका क्या रोल है, तो उस केस में कस्टमर आपको इंडेमनिटी दे रहा है तो इसीलिए कस्टमर क्या कहलाएगा, इंडेमनिफायर कहलाएगा, और आप क्या कहलाएंगे, बैंक क्या कहलाएगी, इंडेमनिफाई कहलाएगी, तो ये आपको याद रहेगा ना। तो दोस्तों उम्मीद है ये इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे हमें बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को याद रखना है। और भी इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हमने इस वीडियो में हमें इस चैनल में डाल रखे हैं आपके बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। धन्यवाद।